हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट में लेटर आई किस तरह से लिखते हैं वो बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से थोड़ा सा प्लेन बना लेंगे, फिर कैरेज की सेटिंग देख लेते हैं। साइडों वाली दोनों हुक हम पीछे कर देंगे और जो ऊपर वाली ये दो नॉब है इनको भी हम पीछे कर लेंगे, ताकि जो हम आगे निडल करें वो ना बने, जो पीछे वही बने। कैरेज को हम 8 नंबर पर सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम 6 नीडल आगे करेंगे और कंट्रास्ट धागे से बना लेंगे 2, 4, 6। सबसे पहले साइड वाली नीडल में हम धागे को इस तरह से फंसाएंगे, उसके बाद 6 नीडल जो है उनको हम मैन्युअली बना लेंगे। फिर आगे वाली नीडल में फिर से धागे को फंसाएंगे और ये जो है 6 नीडल एक सिलाई लगा लेंगे। फिर से हम लास्ट नीडल में धागे को फंसाएंगे और यही 6 नीडल जो है वो फिर से हम एक बार बना लेंगे और आगे वाली नीडल में फिर से धागे को फंसा लेंगे, एक सिलाई लगाएंगे। अब जो लास्ट नीडल है इसमें हम धागे को फंसाएंगे और ये जो 2 नीडल है इनको हम छोड़ देंगे, उसके बीच वाली जो 2 है उनको बनाएंगे सिर्फ। मतलब जैसे 6 नीडल है तो बीच की 2 बनाएंगे और दोनों साइड से 2-2 जो है उनको नहीं बनाएंगे, और इसमें धागे को फंसा के पीछे कर लेंगे। जो 2 नीडल बनाई है उनको आगे कर लेंगे, एक सिलाई लगाएंगे, फिर से धागे नीडल को नीडल में फंसाएंगे और जो क्रीम कलर से बनाई है उनको हम आगे कर लेंगे। इसी तरह से हम 6 सिलाइयाँ लगा लेंगे, 2 जो है वो 6 में लगाई थी, फिर उसके बाद 2-2 करके 6 सिलाइयाँ जो है वो हम लगा लेंगे। जब तक कि हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम इसी तरह से बना लेंगे। ये 8 सिलाइयाँ हो गई है तो अब दोनों साइड से 2-2 नीडल और आगे कर लेंगे, लास्ट वाले नीडल में फंसाएंगे, उसके बाद 6 नीडल जो है वो हम इस तरह से बना लेंगे और आगे वाले नीडल में धागे को फंसा के एक सिलाई लगाएंगे। जो 6 नीडल बनाई थी उनको हमने आगे कर दिया है, फिर से हम इनको इसी तरह से बनाएंगे, धागे को आगे वाली नीडल में फंसाएंगे और ये 6 नीडल आगे करके एक सिलाई लगाएंगे। अब ये नीडल पीछे करके प्लेन बना लेंगे। इस तरह से हमारा लेटर आई जो है वो बन गया है। और अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह से ये हमारा आई लेटर जो है वो तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।